दोस्तों आज मैं स्प्लेंडर के ऐसे राज खोलने वाला हूँ जो आप लोगों को पता ही नहीं होते, और ना ही शोरूम वाले आपको बताते हैं, ना ही चाहते हैं वो कि आपको पता चले। तो ऐसे ऐसे राज मैं खोलूँगा और ऐसे राज आपको ओपन करूँगा ना कि आपका दिमाग खिल जाएगा कि क्या ऐसा भी होता है। तो ऐसा होता है दोस्त, बिल्कुल ऐसा होता है। तो आप वीडियो तक बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कौन सा राज है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्प्लेंडर प्लस इतना ज़्यादा बिकती क्यों है। क्योंकि स्प्लेंडर प्लस ने अपनी पकड़ बना रखी है, मार्केट मजबूत कर रखा है। 100cc बाइक में ये बहुत ही बेहतर बाइक है, क्योंकि इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है जो और बाइक में मिलती नहीं आपको, जैसे कि IBS टेक्नोलॉजी, I3S टेक्नोलॉजी। और आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी मैन्युफैक्चर कंपनी में चले जाइए, आपको I3S टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। I3S टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। ये आपके माइलेज को बढ़ाता है, और इसी वजह से एक तो माइलेज ज़्यादा देता है, दूसरा ये अफोर्डेबल हो जाती है, सेकंड बहुत ही बेहतर बाइक है। 100cc में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कुछ हो ही ना, क्योंकि आपको इसमें ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, अच्छा खासा आपको मस्कुलर बॉडी का टैंक मिल जाता है, वाइजर अच्छे मिल जाते हैं, इसका जो बैक प्रोफाइल है वो भी आपको अच्छा ही मिल जाता है। यानी सारे कुछ एक परफेक्ट लुक आपको मिल जाता है, इसलिए स्प्लेंडर लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। दोस्तों अभी रात के 9 बज चुके हैं और मैं 8 बजे ऑफ होता है मेरा, यानी सुबह 9:30 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं काम करता हूं, उसके बाद मैं फ्री होता हूं। और जब सारे लोग शोरूम से चले जाते हैं, फ्री होते हैं, तब मैं आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं और आपके लिए एक अच्छा और परफेक्ट वीडियो देने की कोशिश करता हूं, ताकि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो स्प्लेंडर है उसका ऑन रोड प्राइस क्या है। तो ऑन रोड प्राइस जो इसका है ओनली 83,500 रुपये है, क्योंकि रेट तो बढ़ चुके हैं, मैंने वीडियो में पहले आपको बता दिया था कि रेट बढ़ चुके हैं। और इसके बाद क्या होता है दोस्त, जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हीरो मोटोकॉर्प इस पर हमेशा ऑफ़र निकालती रहती है। आपको पता है ऑफ़र यानी छूट, जो स्प्लेंडर पे कोई नहीं देता आपको। अगर आप कहीं भी जाइए तो स्प्लेंडर पे आपको ऑफ़र नहीं बताया जाता, क्योंकि स्प्लेंडर मार्केट में सबसे ज़्यादा बिक जाती है, और ना चाहते हुए भी लोग स्प्लेंडर लेते हैं, स्प्लेंडर के नाम से चले जाते हैं और बाइक लेके चले जाते हैं। उनको कोई दिक्कत ही नहीं होती है कि इसका ऑन रोड प्राइस क्या है या इसमें हमें मिलेगा क्या क्या, ऐसा कुछ नहीं है। वो आते हैं, पैसा देते हैं, स्प्लेंडर लेके चले जाते हैं, क्योंकि स्प्लेंडर ने अपनी पकड़ ऐसी मजबूत बना रखी है टू व्हीलर मैन्युफैक्चर कंपनी में कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अब दोस्त एक बात बता दूँ आपको, जो हीरो मोटोकॉर्प है ना, वो हमेशा हर टाइम कुछ ना कुछ ऑफ़र देती है, बट शोरूम वाले आपको नहीं बताते। पता है क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनका नुकसान होता है। नुकसान कैसे होता है आपको पता है? अगर हीरो मोटोकॉर्प 2,000 का ऑफर निकालती है, यानी बाइक पे चाहे एचएफ डीलक्स हो चाहे स्प्लेंडर हो, क्योंकि ये दोनों सबसे ज़्यादा बिकती हैं, अगर इस पे 2,000 का भी डिस्काउंट निकालती है तो 1,000 रुपये डीलर का शेयर होता है। आपको पता है अगर 2,000 का छूट है तो 1,000 रुपये डीलर को भरना पड़ता है और 1,000 रुपया हीरो मोटोकॉर्प कंपनी भरती है। तो इस वजह से, क्योंकि मार्केट में तो वैसे ही बिक रही है, कोई दिक्कत ही नहीं किसी को, चाहे कोई बाइक ले चाहे ना ले, क्योंकि 500-700 तो सेल वैसे ही हो जानी है स्प्लेंडर की, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उनको इस चीज़ से दिक्कत ही नहीं है। तो अगर आप बाइक लेने का मन बना रहे हैं ना भाई, तो कम से कम आप ये तो पता करो कि इस पे ऑफ़र क्या है। चाहे जो भी बाइक लो आप, चाहे एचएफ डीलक्स लो चाहे स्प्लेंडर लो, ऑफ़र हमेशा ही रहते हैं। और अभी करंट टाइम में ऑफ़र चल रहे हैं इस पे, हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से स्प्लेंडर पे ऑफ़र चल रहा है 1,000 रुपये डिस्काउंट का। और 1,000 रुपये डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा पता है? उसके लिए आपको कॉर्पोरेट आईडी दिखानी पड़ती है। कॉर्पोरेट आईडी कैसे होती है? जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यानी आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ का जो आईडी कार्ड बना होता है, यानी जो एम्प्लॉई आईडी कार्ड होता है, अगर आप वो दिखाओगे तो आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन उस पर भी एक शर्त होता है। शर्त क्या होता है कि जो हीरो मोटोकॉर्प की कंपनी है वो हर कंपनियों से टाइप होती है, यानी उनका एक लिस्ट जारी होता है जब भी कॉर्पोरेट डिस्काउंट आता है कि हम इन इन कंपनियों के एम्प्लॉय को अपनी जो बाइक लेंगे उसमें डिस्काउंट देंगे। तो अगर उसके तहत आपकी कंपनी आती है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप एम्प्लॉय कार्ड लेके भी जाते हैं शोरूम पर, तो आपको तो पता होता नहीं है कि आपकी कंपनी हीरो के टाइप से जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है, ये चीज़ आपको नहीं पता होता। हो सकता है आपको बता भी दें कि यार ऐसा नहीं है, आपकी कंपनी हमारे से जुड़ी नहीं है, हम आपको डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा हो सकता है दोस्त, ऐसा होता भी है, बहुत जगह ऐसा होता है, क्योंकि उनको कोई परवाह नहीं है चाहे आप गाड़ी बिके चाहे ना बिके, क्योंकि उनको 500-600-700 सेल हमेशा ही हो जाती है। लेकिन दोस्त आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि जो हमारा शोरूम है सिंगला एजेंसी, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आपको बहुत ही परफेक्ट डीलिंग मिलती है। ये नहीं है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ इसके लिए बढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़ाई करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे 8 साल से वर्किंग हूँ और 8 साल में मैंने देखा है कि यहाँ पे पूरी तरीके से, यानी हीरो मोटोकॉर्प के पूरे रूल रेगुलेशन से चला जाता है और वो चीज़ें की जाती है जो यहाँ पे चाहिए होती है, यानी हर कस्टमर को सेटिस्फैक्शन दिया जाता है। दोस्तों मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आप अगर बाइक ले रहे हैं तो आप बेवकूफ़ मत बनिए, आप अपना जो ऑफ़र चल रहा है उसके बारे में जानिए, हीरो मोटोकॉर्प की वेबसाइट भी खंगालिए कि क्या किसी बाइक पर ऑफ़र चल रहे हैं, क्या किसी स्कूटर पर ऑफ़र चल रहा है। ऐसा ज़रूरी है, ऐसा करना आपके लिए फ़ायदा हो सकता है,
क्योंकि जो ऑफर होता है ना वो सीधे नगद छूट होता है। और अगर आपको कोई बाइक अगर ले रहे हैं जिसे 83,500 में पड़ रही है ना भाई, अगर 1,000 रुपये भी डिस्काउंट आपको मिल गया तो 82,500 रुपये हो गए। और जो 1,000 रुपये होंगे ना बड़ी मेहनत से कमा जाते हैं, आप सबको पता है। तो सीधी सी बात है कि अगर आप बाइक ले रहे हैं तो आप हीरो मोटर को आपके वेबसाइट पर जाइए, खंगालिए उस चीज़ को कि क्या ऑफर चल रहे हैं। ऐसा कोई भी महीना नहीं होता ना दोस्त कि जहाँ पर हीरो मोटर को आप ऑफर ना निकालती हो। वो सिर्फ यही चाहती है कि जो उसके बाइक या स्कूटर हैं मार्केट में सबके पास हों, सेल हो दबा के, वो सिर्फ यही चाहती है। लेकिन जो कुछ होते हैं, जो शोरूम होते हैं, वो आपको ऑफर नहीं बताते, बिल्कुल नहीं बताते। लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके बेनिफिट के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आप जाने इस चीज़ को। हो सकता है कि बाद में इस वीडियो के लिए अगर किसी ने देखा तो हो सकता है मुझे सुनना पड़े, बट मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि दोस्त ये मेरा पैशन है। मुझे अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ना, आपके साथ बताना हर चीज़ों को, समझाना, ये मुझे अच्छा लगता है। और मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जानकारी हमेशा लाता रहता हूँ अपने चैनल पर। तो अगर आप चैनल पर नए भी है ना तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको हीरो मोटर कार्स रिलेटेड सारी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहेंगी, वो चाहे किसी के बारे में हो, फाइनेंस के बारे में हो, इस बाइक के बारे में हो, स्कूटर के बारे में हो, एनीथिंग किसी के बारे में हो, या फिर कोई ऑफर निकलता है। तो अभी जो करंट में ऑफर चल रहा है ना भाई, आपको 100cc बाइक पे सीधे 1,000 रुपये का डिस्काउंट है। लेकिन आपका कहीं भी अगर काम करते हैं तो वहाँ पे जो एम्प्लॉई आईडी होती है वो होनी चाहिए। दोस्तों आप जहाँ भी जाते हैं ना शोरूम पे तो आपको सीधा बोला जाता है भाई स्प्लेंडर पे कोई डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि स्प्लेंडर तो कोई डिस्काउंट है नहीं है, वैसे ही ज़्यादा बिक जाती है, सीधा आपसे ही बोला जाता है। बट एक बात बता दूँ, अगर आप दिल्ली NCR से हैं तो मैं आपके फ़ायदे की चीज़ बता रहा हूँ। आप कहीं भी जाओ, वैसे आप कहीं से भी स्टेट से बिलोंग करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ऑफर के बारे में ज़रूर पता करें। बट मैं तो हर जगह नहीं जा सकता, अगर दिल्ली NCR से हैं तो साउथ दिल्ली में सिंगला एजेंसी शोरूम है, यहाँ पे आप आइए। 1,000 रुपये तो आपको डिस्काउंट मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा, अपना 100% दूंगा आपको डिस्काउंट दिलाने में। तो अगर आप बाइक परचेज करना चाहते हैं तो आप एक बार हीरो मोटर को आपकी साइट पर ज़रूर विजिट करें। आपको मेरी पर्सनली राय है कि आप वहाँ विजिट करें, आप देखें कि कौन से बाइक पर या कौन से स्कूटर पर क्या ऑफर चल रहे हैं। ये आपको कोई नहीं बताता और ना ही बताते हैं, क्योंकि उनका नुकसान होता है, इसलिए आपको बताया नहीं जाता। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद था, आपको जागरूक करना, आपको ये बताना कि वाकई में जो हीरो मोटर कॉप है वो ऑफ़र देती है, डिस्काउंट देती है, बट लोग आपको नहीं बताते। तो आपको ना थोड़ा इस चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है भाई, अगर कहीं भी किसी चीज़ के लिए आप जाओगे ना तो थोड़ा लड़ना पड़ता है, जो आपका हक है, हक लेने के लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ सेम यहाँ भी है, अगर आप थोड़ा सा कहते हो ना कि भाई हमें डिस्काउंट चाहिए तो ऑफ़र होगा ना तो बड़े प्यार से वो देंगे, क्योंकि कोई कोई तो ऐसा है कि वो आपको घुमाने की कोशिश करेंगे, बट अगर ऑफ़र है ना तो आपको पक्का देंगे। तो 1,000 रुपये ना कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप कहीं पे वर्किंग हो ना तो 12 घंटे लग जाते हैं 1,000 रुपये कमाने में, तेल निकल जाता है। तो मैं आपको सीधा ये बताता हूँ कि आप ज़रूर पता करें कि ऑफ़र है कि नहीं है, उसके बाद आप बाइक परचेज करें। स्प्लेंडर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत ही बेहतर बाइक है। तो अगर आप परचेज भी करना चाहते हैं ना तो सबसे पहले ये जान लीजिए, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर सिर्फ हीरो और हीरो मोटर कार्स रिलेटेड जानकारी लाता रहता हूँ, चाहे वो बाइक का रिव्यू हो, किसी फाइनेंस के बारे में हो, या ऑफर के बारे में हो, एनीथिंग मैं आपको देता रहता हूँ। आप एक बार चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं और हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्कूटर या नए मोटरसाइकिल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। हाँ यार, एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, HF डिलक्स लॉन्च होने वाली है, एक नई बहुत ही बेहतर बाइक है, जल्दी उसका आपको रिव्यू देखने को मिलेगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो अभी HF डिलक्स और पैशन प्रो एस्टेक आ रही है ना, बहुत ही बेहतरीन फीचर के साथ आ रही है, तो उसके सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, तो आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे और अच्छे से जान पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।